ओम शांति। ओम शांति। कि मनुष्य के जीवन में कहा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। देखो कलयुग और स्वर्ग किसको कहते हैं? कलयुग वो जहां सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार है। किसके पास इतने घर में बच्चे हैं खाने के लिए कुछ भी नहीं है। किसके पास इतना धन है खाने वाले कोई नहीं। स्वर्ग और नरक में अंतर क्या है? स्वर्ग में तन का कोई बीमारी नहीं है, धन संपत्ति से भरपूर है, मन सदा हर्षित है। तो ऐसा स्वर्ग कैसे आएगा, अपने आप आएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे सारे जीवन में कभी भी बीमारी ना हो, कभी दुख नहीं हो, कई क्या बोलो कोई किसी प्रकार के अशांति नहीं हो, तो क्या करना चाहिए? तो इन दोनों के ये क्यों मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है, जानना चाहिए। क्या बोने से क्या उगता है, क्या करने से क्या होता है, कठिन नहीं सहज चीज है। तो वो करने के लिए कल सवेरे बताता हूं कि अभी आपको 7 बज गए, घर में जाके बच्चों का संभाल भी करना है ना, दोनों देखना है, ठीक है? सवेरे आप आओ कि कहते हैं भगवान आके निरोगी काया निर्मल मन धन संपत्तियों से भरपूर कैसे देता है? अपने आप ऊपर से सोना हीरा भेजेगा, दवाई भेजेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको रोटी सब्जी दाल तीनों चाहिए तो अपने आप तो नहीं मिलेगा ना। सब्जी बोएंगे तो सब्जी खेती से मिलेगा, नहीं बोएंगे तो मार्केट से ले आना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आटा चाहिए तो गेहूं बोना पड़ेगा, है ना? दाल चाहिए नहीं है बोया तो मांगना पड़ेगा, मार्केट से लाना, पैसे चाहिए। तो खेती में तीनों बोलो, सब्जी भी दाल भी चावल भी। तो ऐसे संसार में सदा सुख शांति चाहिए। तो आप संसार में रहते हुए 3 प्रकार के कर्म करना है, तन मन धन, तीनों चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मिल जाता है।